आज के दैनिक राशिफल में आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए बात करते हैं आज के राशिफल में मेष से लेकर मीन राशि वाले जातकों के जीवन में क्या कुछ मंगल होने वाला है और क्या कुछ अमंगल होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों की। ग्रह गोचर के अनुसार मेष राशि वाले जातकों, आज का दिन चारों तरफ से जो वातावरण है आपके लिए बिल्कुल अनुकूल रहेगा। आज आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिलते नजर आ रही है। आप किसी बड़े कार्य की जिम्मेदारी को तय समय पर पूरा करने के लिए आज कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग व्यापार कर रहे हैं या शेयर मार्केट में पैसा निवेश करते हैं तो उनके लिए दिन बहुत ज्यादा अच्छा आज का रहने वाला है। कहीं ना कहीं उन्हें लाभ नजर आ रहा है। आप अपने भविष्य के लिए अगर सेविंग्स करने पर विचार कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। मन बनाकर आज से ही सेविंग्स करना प्रारंभ कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक तालमेल थोड़ा सा खराब हो सकता है, किसी ना किसी बात को लेकर कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन शाम तक माहौल फिर से सामान्य बन जाएगा। आगे बात करेंगे हम वृषभ राशि वाले जातकों की। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। राजनीति में अगर आप अपना हाथ आजमा रहे हैं तो आज किसी बड़े नेता से मिलने का मौका आपको मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आप अपने गुप्त शत्रुओं से थोड़े से सावधान रहें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो वह आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य से कुछ मतभेद हो सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा कि आप बात को बढ़ाने की बजाय चुप रहकर उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। आज किसी बात को लेकर आपका मन थोड़ा सा परेशान रहेगा, कोई ना कोई बात है जो पुराने समय की आपको परेशान कर सकती है। वहीं साथ ही साथ आपको अपने फिजूल खर्चों पर भी थोड़ी सी लगाम लगाने की जरूरत है। आगे हम बात करेंगे मिथुन राशि वाले जातकों की। आज का दिन आपके लिए कोई काम ऐसा रहेगा जो आपको बोझ बना रहेगा और उस काम को लेकर थोड़ी सी परेशानी आपकी बढ़ सकती है और उस काम में आज का पूरा दिन आपका निकल सकता है। अपनी शान शौकत और अपने पैशन के लिए आज आप काफी पैसा खर्च करने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि आज आप शॉपिंग पर जा सकते हैं। वहीं आप अपने जीवन साथी को घुमाने फिराने के लिए या फिर कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों की जरूरतों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आज आपके जेब पर खर्च थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन आर्थिक स्थिति आपकी कुछ ही समय बाद ठीक होने लग जाएगी। अभी अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो कुछ समय थोड़ा सा और परेशान रह सकते हैं। बात करेंगे कर्क राशि वाले जातकों की। आज आपका दिन व्यापार के मामले में बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपकी कुछ रुकी हुई जो डील है, जो काफी लंबे समय से अटक रही है, वो आज पूरा हो सकती है। जीवन साथी को अपने मन की बात और अपने मन की परेशानियों को शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं उनसे आपको सही रास्ता देखने का मौका मिल सकता है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य, शादी समारोह में आप अपने परिवार के साथ जा सकते हैं या परिवार में कोई मांगलिक कार्य आपके हो सकता है। अगर आप घर में रह रहे हैं और छुट्टी है या फिर आप अपना वेकेशन मना रहे हैं तो घर परिवार के बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करें, इससे पारिवारिक माहौल खुशनुमा होगा। साथ ही साथ हो सकता है कि कोई तीर्थ स्थान, धार्मिक स्थान या मंदिर वगैरह के लिए यात्रा करने का आपका विचार बन सकता है। आगे बात करेंगे हम सिंह राशि वाले जातकों के लिए। आज का दिन आपके लिए कुछ उलझने लेकर आया है, लेकिन आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से उन परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। आज आपको किसी को भी पैसे उधार देने से बचें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दिया हुआ पैसा वापस आने की संभावनाएं काफी हद तक कम है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में मन मुताबिक काम करने का मौका मिलेगा और आपके काम की सराहना भी की जाएगी। आपके अधिकारी आपके ऊपर काफी मेहरबान नजर आ रहे हैं। वहीं आज आपका अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य है तो उस कार्य को दोपहर के बाद आप कर सकते हैं, उस कार्य के पूरे होने की संभावनाएं बन रही हैं। बात करेंगे कन्या राशि वाले जातकों की। जिन जातकों की कन्या राशि है, आज का दिन किसी नए काम की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि माता पिता की सलाह लेकर कोई काम करेंगे तो उस कार्य की पूर्ण होने की संभावनाएं कई प्रतिशत बढ़ जाएंगी। अगर आप प्रेम जीवन में जी रहे हैं और अपने साथी को लेकर कोई मन मुटाव है या कोई परेशानी या आपके मन में कोई दिमाग में कुछ बातें चल रही हैं, कुछ शंका या शक है आपको, तो आप अपने पार्टनर से मिलकर उन सभी बातों को क्लियर कर लें, बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे बात करेंगे तुला राशि वाले जातकों की। आज का दिन आपके लिए तरक्की दिलाने वाला नजर आ रहा है, लेकिन आंख बंद करके किसी के ऊपर भी भरोसा करना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र में, अपने बिजनेस में लापरवाही ना बरतें। आपके साथ काम कर रहे, आपके
कर्मचारी या आपके साथ काम कर रहे जो भी अधिकारी हैं, आपके कॉम्पिटिटर हैं, वो कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाने के लिए किसी ना किसी प्रकार का षड्यंत्र कर सकते हैं। वहीं साथ साथ यदि आपकी विवाह में कोई परेशानी बहुत लंबे समय से चली आ रही है तो आज हो सकता है कि उस मैरिज को लेकर कोई बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं। बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों की, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। गृहस्थ जीवन में किसी बात को लेकर तनातनी हो सकती है, संतान पक्ष से कुछ परेशानियां आ सकती हैं। अगर बच्चे का रिजल्ट आने वाला है तो उस बात की टेंशन आपको थोड़ी सी ज्यादा परेशान कर सकती है। वहीं आपको अपने जीवन में जरूरी कामों को टालने की वजह उन्हें तय समय पर पूरा करने की जरूरत है। अगर आप उन्हें पूरा करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं फैमिली में माता पिता की हेल्थ को लेकर आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, कोई ना कोई रोग है जो परेशान कर रहा है, लेकिन उस रोग का हल जल्दी ही आप निकाल पाएंगे। आगे हम बात करेंगे धनुराशि वाले जातकों की, आज का दिन आपके लिए फाइनेंस के मामले में बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। घर परिवार के लोगों के साथ अपने व्यापार को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर उसमें पारदर्शिता बरतने की जरूरत है। व्यापार में क्या करने वाले हैं और क्या आपको बदलने की जरूरत है, इन सभी बातों की सलाह अगर आप परिवार से लेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपका पैसा अगर कहीं फंसा हुआ है, बहुत दिन से नहीं आ रहा है, तो आज का दिन बहुत अच्छा है। हो सकता है कि पुराना रुका हुआ धन आपको मिल जाए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर टूर पर जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ मस्ती मौज करने के लिए आज का दिन आपका बहुत ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। आगे हम बात करेंगे मकर राशि वाले जातकों की, मकर राशि वाले जातकों आज का दिन आपको मिला जुला परिणाम लेकर आया है। कोई काम जो आप चाहते हैं कि कोई जिम्मेदारी आपको मिले, लेकिन उसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो जिम्मेदारी आपके पास आते आते किसी दूसरे के पास चली जाएगी, क्योंकि उस काम से आपके कैरियर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला था। कहीं ना कहीं आप उस काम को अगर आप कर पाते तो उससे आपको तरक्की मिलने के योग बन जाते, लेकिन जब वो काम हाथ से चला जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके मन में दुख होगा, थोड़ी सी परेशानी होगी और उस बात को लेकर पूरा दिन आप चिंता में व्यतीत कर देंगे। लेकिन शाम के समय कोई फ्रेंड्स, कोई मार्गदर्शक, कोई आपका गुरु, कोई परिवार का बड़ा बुजुर्ग मेंबर आपको सलाह देगा कि जो चला गया उसके लिए ना पछताएं और अपने जीवन में तरक्की के लिए मेहनत करते रहें, आगे बढ़ने के लिए काम करते रहें। बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों की, आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा सावधानी रखने वाला है। जी हाँ, आप अपने काम में सूझबूझ के साथ कोई भी निर्णय लें, जल्दबाजी करना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। संतान से संबंधित कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है, कॉलेज या स्कूल को लेकर कोई डिसीजन आप नहीं कर पा रहे, उस बात को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में हो सकती है, लेकिन पारिवारिक सामंजस्य और परिवार के लोगों की सलाह सही निर्णय लेने में आपकी मदद करेगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं कुछ नए अवसर मिल सकते हैं, प्रमोशन को लेकर या ट्रांसफर को लेकर कोई गुड न्यूज मिल सकती है। आगे हम बात करेंगे मीन राशि वाले जातकों की, आज का दिन आपके लिए खर्च के मामले में थोड़ा सा अच्छा नहीं है। बिना कारण आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, बिजनेस में या फिर अपने करियर को लेकर या अपनी पैशन को लेकर या पारिवारिक जरूरतों को लेकर आज आप काफी ज्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं। आप अपने घर पर किसी धार्मिक अनुष्ठान आदि का आयोजन कर सकते हैं, जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ आप भगवान का कीर्तन भजन इत्यादि में आज पूरा दिन लगा सकते हैं। उसके साथ साथ अपने जीवन को सुखमय और अच्छा बनाने के लिए आप एकांत में कुछ समय व्यतीत करना चाहेंगे। ये समय आपके लिए, आपके जीवन में अच्छी सूझबूझ और समझ के लिए और अच्छी सलाह के लिए एकांत में जो समय व्यतीत करेंगे आज आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये रहा मित्रों मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले जातकों के आज के दिन का पूरा राशिफल जो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर जाइए। जय महाकाल, हर हर महादेव।